हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूनम श्रीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच कॉम्बो रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होगी। तो आइए बनाने चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 ड्रमस्टिक ले लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के आलू जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको चढ़ा देंगे गैस के ऊपर, 10 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ी सी नमक। फिर इसको ढक के 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी वो फटाफट बन जाएगी। यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए लिया है 4 बड़े चम्मच खसखस, 1 बड़े चम्मच पीली सरसों, 3 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। उसको भी मैंने बारीक काट के मिक्सी जार में डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और इसमें पानी डाल के, मिक्सी जार में पानी डाल के थोड़ी देर तक के लिए इसको भीगने छोड़ देंगे खसखस को ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि खसखस जल्दी से ग्राइंड नहीं होती है ना। अब मैंने एक कुकर ले लिया है, यहाँ पे बनाएंगे हम मूंग की दाल, थोड़ा सा सरसों तेल इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कम ही तेल मसालों से बना रही हूँ। और ये मैंने मूंग की दाल भिगने के लिए दे दिया था, 10 मिनट भिगा हुआ मूंग दाल है 10 मिनट पहले। 1 तेज़पत्ता लिया है मैंने, इसको 2 टुकड़ों में काट लिया है, तोड़ लिया है। इसको मिला लेंगे, इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इसको भी चला लेंगे। अब फ्लेम को धीमी करके इसमें मूंग दाल डाल देते हैं, इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इसका कच्चापन जाने तक। इसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल के इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हल्दी फिर से डालेंगे, मिला लेंगे इसको। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारी सहजन की फलियाँ जो हैं और आलू पका है या नहीं। अभी इसको थोड़ा सा और होगा, ये अभी ठीक से नहीं पका है, इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है भिंडी, ये 250 ग्राम भिंडी है, बिल्कुल फ्रेश है। अब भिंडी को कट कर लेंगे, जैसे आप फ्राई के लिए कट करते हैं वैसा ही कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने भिंडी को कट कर लिया है और दाल को शिफ्ट करेंगे दूसरी गैस पे और इस पे चढ़ा रहे हैं कढ़ाई, एक नॉन स्टिक का कढ़ाई लिया मैंने। इसमें डालेंगे बहुत ही कम मात्रा में तेल डालेंगे, 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच भी नहीं होगा, 1 चम्मच से थोड़ा मैंने अंदाज से ही डाला है। इसको पूरे कढ़ाई में फैला लेंगे। ताकि हमारे भिंडी चिपके नहीं। अब इसमें डालेंगे जीरा 1/2 छोटी चम्मच। थोड़ी सी मेथी
इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब मैं यहाँ पे भिंडी डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना कम तेल डाला है लेकिन फिर भी नहीं चिपकेगा। एक तो ये नॉनस्टिक है इसलिए भी नहीं चिपकेगा। अब इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे। ये हमारी भिंडी बिल्कुल भी लसलसी नहीं बनेगी, आप अंत तक देखिएगा। इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, रेड चिली पाउडर और आमचूर पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिलाते हुए भून लेंगे। और ये बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स खाने में, बिल्कुल चटपटी लगती है। आप भी बना कर देखें, खा के देखें और मुझे कमेंट में बताएं कैसा बना। ये हमारी भिंडी अब हो गई है, देखिए बिल्कुल भी लसलसी नहीं है। ये मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब गैस को बंद कर देंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊंगी, सहजन की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब तेल डाला है, सरसों का तेल डाला है मैंने। यहाँ पे जीरा लिया है थोड़ा सा, थोड़ी सी मेथी, मेथी दाना, थोड़ा सा कलौंजी जिसे हम लोग मंगरेला भी बोलते हैं, और हींग डालेंगे 2 पिंच के करीब। इसको चला लेंगे। थोड़ा सा ये भुन जाए तो इसमें सब्जी डाल देंगे जो हमने उबाल के रखा था, ड्रमस्टिक्स एंड आलू। इसका पानी मैंने निकाल दिया था 1 ग्लास में, उसको अलग बाद ग्रेवी में उसको मैं ऐड करूँगी। अब इसको भून लेंगे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा हल्के हाथों से भुने ताकि ड्रमस्टिक जो है वो टूटे ना। थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक ये मैंने उबालने के टाइम पे भी डाला था। अब ढक के थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे। अब जो मैंने खसखस को पानी में भिगने दिया था उसको अब पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। पानी में भीगने के बाद ये अच्छे से पिस जाती है। थोड़ी सी और इसमें पानी डालेंगे, पानी कम था इसलिए अच्छे से नहीं ग्राइंड हुआ। ये बहुत अच्छे से पिस गई है। अब यहाँ पे मैं 3 टमाटर ले लूँगी, मीडियम साइज़ के ही हैं। इसको मैं बारीक काट के, मतलब रफली चॉप कर लिया मैंने, इसको ग्राइंड कर लेना है। ये हमारा टमाटर भी ग्राइंड हो चुका है और ये भी थोड़ा भुन गया है, सब्ज़ी हमारी भुन गई है थोड़ी। अब इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने पीस के रखा है। और इसको हल्के हाथ से ही मिलाएंगे, मिला के थोड़ी देर टमाटर को भुनने देंगे ताकि उसका कच्चापन चले जाए। थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाला है इसमें, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये खसखस जो मैंने पीस के रखा है। चार चम्मच के करीब मैं डालूंगी। इसको भी भून लेना है थोड़ा सा, ज़्यादा भूनना नहीं है।
फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर मैंने 5 मिनट के करीब चलाया इसको हल्के हाथों से। अब इसमें डाल देंगे वो जो मैंने सहजन और आलू उबाला था ना, उसका स्टॉक है वो डाल दे रही हूँ ग्रेवी के लिए। ये इसमें ही हमारी ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन चढ़ाया है जो मैंने दाल बनाई थी उसमें तड़का लगाने के लिए। यहाँ पे घी लिया है मैंने 1 चम्मच करीब। इसमें मैंने काली मिर्च कूटी हुई और हींग और लाल मिर्च डाला है, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको डाल देंगे तड़के की तरह दाल में। ये देखिए बनके हमारी रेडी हो गई है। इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया के साथ। देखिए हमारा लंच कॉम्बो रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।